नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में धारा 144 लागू होने के बाद भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में घंटाघर में हो रहे प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। इन मुकदमों में 2 नाम मशहूर शायर मुनव्वर राना की दोनों बेटियों के भी शामिल हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत में मुनव्वर राना ने कहा कि लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध पहले से चल रहा है और इसे रोकने के लिए शहर में धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जब शहर में धारा 144 लगी है तो गृह मंत्री अमित शाह यहां सभा को संबोधित करने कैसे आ रहे हैं। मुनव्वर राना ने यह कहा कि यहां की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, यहां सब ठीक है। अगर यहां सब ठीक है तो धारा 144 क्यों लगाई गई, मेरे पर मुकदमा दर्ज करो, ऐसी बागी बेटियाँ पैदा की। पुलिस ने मुनव्वर राना की दोनों बेटियों सुमैया राना, फौजिया राना और 12 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 145, 188 और 352 के तहत लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उनमें से 24 लोग नामजद व 140 अज्ञात हैं। एडीसीपी पश्चिमी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि धारा 144 के चलते प्रदर्शन पूरी तरह असंवैधानिक है। घंटाघर के सामने पिछले 4 दिनों से महिलाएं अपने बच्चों के साथ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।